फोसेट पे, ये जो फोसेट वेड है आपको वर्ल्ड वाइड आप किसी भी बैंक थ्रू या किसी भी जो उसका जो अकाउंट है वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ले सकते हैं। तो यहाँ मैं बताऊँगा कि हमने इसको वॉलेट को किस तरह क्रिएट करना है, एंड देन हम इसको भी जिसका जो जो अकाउंट है इसमें जो जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम अमाउंट वगैरह जितने भी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो वॉलेट है वो बेसिकली है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जो वॉलेट है वो है क्रिप्टो करेंसी का, आपको जिसमें अगर आपको पता होगा जहाँ जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो जितने भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स वगैरह होते हैं या जितने से बी टी सी या डोजी कॉइन, उसके अलावा लाइट कॉइन, इससे हम बहुत सारे कॉइन होते हैं इनकी ट्रेडिंग में, या इसके अलावा जो उसके वॉलेट होता है जो यहाँ पे सेव की जाए वो सेविंग जो होती है वो यहाँ पे इस वॉलेट में होती है। तो इससे वो जो उसका नाम है वो फॉसेट पे है। तो उसके बाद बात करेंगे आप किस तरह से इसका अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, देन उसके बाद बताएंगे कि जो ये अकाउंट है ये 100% रियल है तो या नहीं। तो बात कर लेते हैं अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बता देंगे जो अकाउंट की जो जो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है वो क्या है क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स की जो जो मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसके अंदर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका हूँ बिटकॉइन, इथेरियम, डोजी कॉइन, लाइट कॉइन, इसमें बिटकॉइन कैश, उसके अलावा डीजी बाइट, इसका ट्रॉन मोर जो है कमिंग सून है, जो आर ए कॉइन इसके अंदर, तो जो कि इसके अंदर अरेबल है। तो इसमें से मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी या जितने भी एक वॉलेट के अंदर आपको काफ़ी तरह आपके वॉलेट इशू नजर आते होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फॉसेट रेट है, क्योंकि जो फॉसेट जो पे का अपने ही कुछ जो एडवाइसिंग और या क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन्स है वो भी यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पे सीरीज ऑफ ऑफर वाल मिलती है जो कि एवरी डे आपको मिलती है, जिसके अंदर आप लोग को अप टू $10 की में फ्री में रनिंग कर सकते हैं, वो भी बताऊँगा वो किस तरह होगी। तो उसके बारे में हम बताएंगे आपने किस तरह क्रिएट करना है। उसके बाद नजर आता है आपने यहाँ पे गेट पे टू क्लिक इन बिटकॉइन, आप लोग यहाँ पे किस तरह से बिटकॉइन की अर्निंग कर सकते हैं, मतलब आपने कैसे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू पे टी सी अर्न कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे शो होता है। देन यहाँ पे नजर ऑफर वाल वगैरह की भी शो होता है। उसके अलावा रिवॉर्डिंग आपको यहाँ पे रेटिंग मार्केट आप यहाँ पे रेफर बनाते हैं, तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलते हैं जो कि जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स आपके नेटवर्क को क्रिएट होता रहेगा, तो जितने भी आपका नेटवर्क होगा आपको उसमें से उसका कमीशन देना आपको उसकी रिवॉर्डिंग मिलती रहेगी। देन बात करते हैं इसका रोल एंड जो इसकी जो मल्टीपल बी टी सी होंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपके मस्के अप टू यहाँ पर जिसकी जो एक ग्लेमिंग टॉप है यहाँ पे एक यहाँ पर रॉयस होती है जो कि एवरीडे होती है, जो एक छोटा सा एक ऑफर टाइप होता है जो कि अब फॉसर पे की अपनी ही वॉलेट के अंदर होता है। तो यहाँ पे इसके जो रोलर डाइस किसका नाम है, इसका मल्टीपल बी टी मतलब मल्टीपल अकाउंट्स मतलब बी टी सी, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड यहाँ पे मिलते हैं मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी आपको डाइस में मिलते हैं, जो कि एवरी डे या एवरी वीक आपको यहाँ पे इसमें एक छोटा सा एक इवेंट होता है जिसमें आपको यहाँ पे अर्निंग होती है। उसके अलावा यहाँ पे क्रैश का ऑप्शन मिलता है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसके ग्रेम्स और उसके अलावा उसमें थोड़ी सी मल्टीपल ग्रो अर्निंग जो कि सेकंड में होती है उसमें प्रॉफिट वगैरह भी आपको यहाँ पे शो, मतलब कि आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बाय की उसमें जो उसका ट्रेडिंग वाला सीन है वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी जो फॉसेट पे की अपनी सेटिंग्स वगैरह, उसके बाद एक्सचेंज आपको यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करते हैं वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर यहाँ पे सारा शो होगा। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने करना है कि यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया है, माइक्रोस्कोप पेमेंट वॉलेट है, एंड देन यहाँ पे अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, तो यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रो प्लेटफॉर्म भी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो करेंसियों को इंस्टेंट पेमेंट भी मिलेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पेमेंट किसी को रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं आपको इंस्टेंट यहाँ से जाएगी, या देन यहाँ पे थाउजेंड ऑफ वेबसाइट यहाँ पे वर्क कर रही विड्रॉवल ले रही है, और ये पर्सनल आपको अपना अपना इसमें जितना भी डाटा होगा जितने भी वॉलेट होंगे वो 100% सिक्योर होंगे, ट्रस्टेड होंगे। देन इसके अलावा ये आपका पर्सनल वॉलेट होगा, उसमें इसमें जो फीस होगी वो सबसे कम होगी, वेरी लो फीस भी रहती है। तो सबसे पहले कहते हैं साइनअप के लिए, साइनअप एक दफ़ा क्लिक करेंगे, साइनअप में क्लिक करने के बाद सामने अपना एक ईमेल एक पासवर्ड एक जीमेल वगैरह आपके सामने एक यूज़र नेम आएगा, देन आपके सामने एक जीमेल आएगा, उसके अलावा ईमेल का जो एड्रेस होगा वो आएगा, पासवर्ड आएगा, पासवर्ड रिपीट पासवर्ड एक्सेप्ट एक्सेप्ट का आएगा, उसके जो तम और कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है। उसके अलावा आने आई एम नॉट अ रॉबोट में वेरीफाई करना है छोटा सा वर्ड करने के बाद इसको साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा जो क्या नाम है ईमेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, हमें उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद में यहाँ पे करना है साइन इन, साइन इन में क्लिक करने के बाद आपको मैं चाहता हूँ साइन इन में क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल हमें सेंड कर देना है। यूज़र नेम और ईमेल सेंड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यूज़र नेम और ईमेल हमें किस तरह सेंड करना है। यूज़र नेम और ईमेल सेंड करना है, देन हमने यहाँ पे अपना अकाउंट करेंगे, उसके बाद आई एम नॉट अ रॉबोट में वेरीफिकेशन करेंगे, ओके आई एम नॉट अ रॉबोट में वेरीफिकेशन करेंगे, उसके बाद अपने साइन इन कर लेना है। जिस तरह आप साइन इन करेंगे आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, अपने अकाउंट में से लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपके सामने शोर होगा मेरा जो अकाउंट है जो फॉसेट पे का वो लॉगिन हो चुका है, ओके द ओके द यूज़र नेम जो का हाँ मैं को अगेन बता दूँ जो यूज़र का यहाँ पे यूनिक देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बार यूज़र नेम ये कोई यहाँ पे पहले से लगा हो तो वो भी आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आपने यूनिक से यूनिक जो हमारा अकाउंट यहाँ पे एग्री करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले साइन इन करता हूँ ताकि इसमें जो आप यूज़र नेम है वो आई थिंक यही लगा हो या ना लगा हो, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ज़रूर देनी है, ओके। उसके अलावा मैं यहाँ पे नजर आ चाहे कि ईमेल मैं यहाँ पे ईमेल वेरीफिकेशन होगी मैं छोटी थी, तो ईमेल वेरीफिकेशन में ईमेल में जाएंगे, ईमेल जाने के बाद मैं यहाँ पे टू जो वेक्टर जो हमारी हर दफ़ा आपको पहले बताएगा कि ईमेल में छोटा सा वेरीफिकेशन आएगा एंड उसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके अलावा ईमेल वेरीफिकेशन में कोड आएगा आपको, कोड का 2FA कोड होगा एंड उसको कॉपी
भी करना है दैन यहाँ पहले फेस करना पड़ेगा। तो उसके सबसे पहले करना है कि आपने गूगल ईमेल जो आपने पहले सेंड की थी या यूज़र नेम आपने सेंड किया था ईमेल का, आपने वो जाना जाना आपने साइन इन करने का, या साइन इन करेंगे या किसी भी अकाउंट में जब आप साइन अप करेंगे तो आपको वहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर देखने मुझे ज़्यादा होगा मेरे यहाँ पर टू न्यू आए हुए, तो मैं सर उसको कर दूँ ओके। इसको ज़रा मैं कर लेता हूँ लॉग इन बैंक ओके। तो यहाँ पर नज़र आओगा मेरा यहाँ पे कोड यहाँ पे नज़र आ रहा होगा पोस्टेड पे का प्रमोशन अकाउंट में आपको यहाँ नजर आऊंगा प्रमोशन अकाउंट यहाँ पे शो होंगे। ये साइड में आपको ईमेल में आएगी, यहाँ पे ईमेल में जो आएगी वो प्रमोशन अकाउंट के थ्रू आएगी, क्योंकि इसके जो पोस्टेड का जितने भी लॉगिन थ्रू होते हैं वो पोस्टेड पे में लॉगिन प्रमोशन के थ्रू में ही आते हैं। तो आपने प्रमोशन अकाउंट में जाना है, प्रमोशन अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा लॉगिन लोडिंग लेगा, जाना आपको नजर आ पोस्टेड पे एफिलिएटिंग मार्केटिंग प्राइस इंक्रीज वगैरह यहाँ पे शो रही होंगी। तो मैं थोड़ा उसको थोड़ा लोडिंग कर लेता हूँ, देन आपको ये नजर आ होगा मेरा जो एक टू एफ ए कोड आएगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले टू एफ ए कोड में क्लिक कर लेता हूँ ओके। तो यहाँ पे प्राइमरी टू एफ ए कोड में क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे नजर आएगा मेरा टू एफ ए कोड, थोड़े दिन कोड नज़र आ चुका है। तो मेरे जितना भी था मेरा यूजर नेम वगैरह था शो हो रहा है, उसका नाम मैं कोड को कर लेता हूँ कॉपी। जो कॉपी करने के बाद आपने इसको वहाँ पर सिंपल वहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे बैक आते हैं एंड यहाँ से हम बैक करने के बाद फिर यहाँ से बैक आते हैं और अपने फोस्टर पेड अकाउंट में जाते हैं जहाँ पे हमने इसको टू एफ ए को कॉपी करना था, मतलब जहाँ पे हमने कोड को एंटर करना था। अब उसके बाद हम जाते हैं अपने फोस्टर पेड के अंदर, फोस्टर पेड अकाउंट जो हमारा टू एफ फैक्टर चैलेंज जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम उसको कोड का करेंगे रिसेंट, उसका करेंगे लॉग इन टू मी ओके ओके। यहाँ पे हम उसको लॉग इन करेंगे, तो यहाँ पे हम उसका जो कोड था वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद मैं दिखाता हूँ सिंपल सा वर्ड क्या ओके पेस्ट एंड देन लॉग इन कोड को यहाँ पेस्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लॉग इन ओके। अगर यहाँ करना क्या देन आपको नजर आऊंगा मेरा अकाउंट यहाँ पे शो जो करना, मुझे आपको बताया था कि यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हैं, रिवॉर्ड आपको डेली बेस में जो भी आएंगे वन रिकॉर्ड मिलेगा जो कि यहाँ पे शो होगा। जितने रिकॉर्ड होंगे पॉइंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड पॉइंट में 21 हो गए, देन यहाँ पे जो रिकॉर्ड पॉइंट्स करिए आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं आप तो यहाँ से विड्रा भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वॉलेट मिलता है जिसके अंदर आपको बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजी कॉइन, लाइट कॉइन, इसके अलावा बिटकॉइन कैश, इसके अलावा इथेरियम, उसके अलावा फियोरियम कॉइन, फ्लोर अकाउंट जैसे अकाउंट आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप डिपॉजिट या विड्रावल भी करा सकते हैं, विड्रावल में आपको मिनिमम आपको यहाँ पे जो फीस होगी वो बहुत 0.1 में मिलेगी या वेरी लो फीस जो है इस वॉलेट में मिलता है। उसके बाद डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे बिटकॉइन, डॉजी कॉइन, मेथामैस को जो थीरियम मिल रहा है, इसके अलावा लाइट कॉइन मिल रहा है, इसके अलावा आपको डैश मिल रहा है, उसके अलावा यहाँ पे जितने भी कॉइन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन मिल रहा है, इसके अलावा ट्रेडिंग मार्किंग ऑप्शन मिल रहा है, इसके अलावा ओवरव्यू और डैशबोर्ड उसमें आप जाते हैं। तो यहाँ पे नजर आता है हमारा जो जितना भी वॉलेट है वो एक दो तीन चार पाँच छः मोर देन कितने भी वॉलेट है आपको यहाँ पे बन चुके हैं। उसके लिए आपको जो विड्रॉवल होगा यहाँ पे शो होगा, जितने भी डिपॉजिट किए, जितने भी आपके अकाउंट में जितने भी जो भी हमारे पे होंगे मनी वगैरह यहाँ पर पेमेंट वगैरह होगी वो यहाँ पे शोर ही होगी, किस यूज़र से आया, किस डिपॉजिट होगी, कितनी कितनी किस टाइम में विड्रॉवल की वो सारा शोर होगा। तो आई होप सो आपको विड्रॉ या आपको अकाउंट बनाना आ गया, तो अगर आपको ये अकाउंट बना गया तो अपना अकाउंट बनाए और अपना फोर सर्टिफिकेट में जितना भी विड्रॉवल डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें वीडियो को लाइक चैनल।